फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एई किचन्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ गेहूं के इंस्टेंट मीठे पूड़े बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही यमी बनते हैं। चाहे तो आप उसको खीर बना के खाइए साथ में, चाहे किसी भी तरह की रबड़ी के साथ खाइए। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, स्टार्ट करेंगे बनाना। बहुत सिंपल है ये पूड़े बनाना। ये देखिए, गेहूं का आटा रखा है मैंने यहाँ पर। ये हम एक बड़े बाउल में डाल लेंगे, जिस हिसाब से हमने पूड़े बनाने हैं उतना डाल लेंगे। मैंने ये 5 छोटे चम्मच डाले हैं, छोटे चम्मच गेहूं का आटा डाला है। इसमें हम 3 चम्मच चीनी के ऐड कर देंगे। बाकी आप अपनी लाइकिंग के हिसाब से, अगर थोड़ा ज्यादा चीनी पसंद करते हैं तो थोड़ा और डाल सकते हैं। 1/2 छोटा चम्मच इसमें हम सौंफ ऐड कर देंगे। सौंफ का फ्लेवर इसमें फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया लगता है। अब क्या करेंगे, हम इसको एक घोल बनाएंगे, इसमें दूध ऐड करेंगे। और इसका घोल बनाना है हमने कि वो बहुत ज्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और थिक भी नहीं होना चाहिए। ये मैं आपको दिखाती हूँ कैसा होना चाहिए। ये देखिए, अभी तो ये थिक है, थोड़ा सा इसमें दूध और डाल लेंगे। और इसको हमने तब तक इस तरह फेंटना है जब तक कि ये जो चीनी है वो इसमें घुल ना जाए। ये आप देख सकते हैं इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी। ये ना तो बहुत ज्यादा पतला है और ना ही गाढ़ा है। जिस तरह से हम बेसन के पूड़े बनाते हैं, बस कंसिस्टेंसी इसकी वैसी सी होनी चाहिए। अब ये मैंने कुछ इलायची, 2-3 इलायची रखी हैं पीस कर, ये इसमें ऐड कर देंगे। फ्लेवर इससे बहुत बढ़िया आएगा। बस अब हम पैन या तवा, जिस पे भी हमें बनाना है, प्री हीट कर लेंगे। इसको देसी घी में बनाएंगे तो बहुत ही मजेदार बनेंगे। देखिए, इस तरह से घी अच्छे से लगा लेंगे। और जिस भी साइज के हमने पूड़े बनाने हैं वो हम फैला लेंगे। बहुत इजीली ये फैल जाते हैं, आप देख सकते हैं। सिकने देंगे, थोड़ा फ्लेम हाई कर लेंगे अभी हम। देखिए, एक साइड इसकी सिक चुकी है, साइड चेन। अच्छे से दोनों साइडों को सेक लेंगे। ये आपकी मर्जी है, चाहे आप इसको थोड़ा क्रिस्पी कर लें, चाहे आप इसको सॉफ्ट रखें। ये देखिए, जितने भी पूड़े बनाने हैं हम बना लेंगे। अब मैं आपको ये सर्व करके दिखाती हूँ। बिना डीप फ्राइंग और इजी इंग्रेडिएंट के साथ बना मीठा पूड़ा यानी चिल्ला बिल्कुल रेडी है। कभी भी कुछ मीठा खाने का मन हो तो झट से बनाकर इसे खा सकते हैं। इसे या तो रबड़ी के साथ या फिर ठंडी ठंडी खीर के साथ सर्व कर सकते हैं। ट्राई कीजिए आप भी फ्रेंड्स, और प्लीज कमेंट्स में भी जरूर बताइए कि आपको आज की ये सिंपल सी झट से बनने वाली रेसिपी कैसी लगी। पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर भी कीजिए, और मेरी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। नेक्स्ट एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।